बाघ भगवान को भोग लगाने के। नमस्कार, जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम मना रहे हैं कृष्ण का, लल्ला का, कान्हा का 5052 का जन्मदिन। यूं तो मैं कृष्ण जन्माष्टमी पर धनिया की पंजीरी, चन्नामृत और बहुत सारे पकवान बनाती हूँ। उसमें एक स्पेशल चीज़ भी बनाती हूँ जो मेरी देवकी और यशोदा मैया के लिए होता है। जानना चाहेंगे वो क्या है? जी हाँ, मैं बनाऊंगी आज गोंद और ड्राई फ्रूट्स का पाग, जो खास कर मेरी देवकी और यशोदा मैया के लिए है, जिन्होंने कान्हा को इस दुनिया में लाया और उनका लालन पोषण किया। अब ये पाग बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? पाग में हमें चाहिए मखाना, लोटस फ्लावर जिसे कहते हैं, ड्राई नारियल, लोड्स ऑफ बादाम, खूब सारे बादाम, किशमिश, चिरौंजी, मस्क मेलन या खरबूजे के बीज, गोंद, प्योर घी गाय का, मीठे में आप चाहें तो चीनी डालिए या फिर गुड़ का सिरप या चाशनी बना के उसमें आप पाक कर सकते हैं, या फिर आप खजूर से उसको खजूर मिक्स करके उसमें स्वीटनेस पाक में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं यशोदा मैया और देवकी साथ में आज मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक टेस्टी स्वादिष्ट सा पाक। यहाँ कढ़ाई में हम कर लेंगे घी को अच्छे से गरम, क्योंकि इसमें सिकेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर मैंने एक एक करके गोंद को, खरबूजे के बीज को, चिरौंजी को डीप फ्राई कर लिया है, साथ ही बादाम को भी डीप फ्राई करके थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर दिया है, जिससे बच्चे उसे निकाल ना सकें, आराम से खाएं। मखाने भी डीप फ्राई करके हल्के छोटे छोटे पीसेस में थोड़े से ग्राइंड कर लिए हैं। ये हो रहा है मेरा जो ड्राई नारियल था उसको मैंने ग्रेट करा और किशमिश के साथ ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इसे घी में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नारियल का अपना एक ऑयल होता है। अब सारे जो फ्राइड इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि सब चीज़ें जो हैं वो प्रोपोर्शनेट हो जाएं और अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल जाएं। यहाँ मैंने कढ़ाई में चाशनी बनने के लिए रख दी थी, मैं चीनी की बना रही हूँ। चीनी की चाशनी, दो तार की चाशनी बनाएंगे। ये देखिए, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक जो स्कम आ रहा है उसको हम हटा देंगे। और अगर आपको चाशनी चेक करनी है आपकी बनी है या नहीं, एक बाउल में पानी लीजिए, उसमें चाशनी का सिरप डालिए। अगर वो चाशनी की सिरप बनती नहीं है, इसका मतलब वो नहीं बनी है। ये देखिए, मेरा चाशनी तैयार थी, मैंने पाक मिक्स करा और थाली में उसे ठंडा होने के लिए काट लिया है। अब हम इसे कान्हा को लगाएंगे भोग।